हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये देखिए, आज हमने बनाए हैं जीरा राइस। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये हमने बासमती चावल से नहीं बनाए हैं, ये सादा चावल है जो खीर के लिए यूज होते हैं, वही चावल हैं मोटे वाले। आज हम उसी के जीरा राइस बनाएंगे। और ये देखिए कितने खिले खिले बने हुए हैं। अभी तो ये गर्म है, जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही अलग अलग खिले खिले हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पे पूरी देखिएगा। चलो इसे शुरू करते हैं बनाना। ये हमने एक बाउल चावल ले लिए हैं और ये हैं कुछ खड़े मसाले। ये है जीरा और ये खड़े मसाले, एक दालचीनी और 4-5 लौंग और ये काली मिर्च। दोस्तों आप इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं और बड़ी इलायची। और ये है 2 चम्मच घी और ये स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों चावल धो लेंगे हम और इधर गैस पे रखा है कुकर, उसमें डाला है घी हमने 1.5 चम्मच डाला है घी दोस्तों। और घी हमारा गरम हो जाएगा, उसके बाद डालेंगे हम जीरा और कुछ खड़े मसाले। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा गरम हो रहा है। अब इसमें डालेंगे हम जीरा और ये डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। चटकने देंगे और ये हमने चावल धो लिए हैं, धो के ले लिए हैं। अब इसे 1 मिनट तक इसी तरह तलेंगे चलाते हुए और फिर इसमें डालेंगे उसी बाउल से, जिस बर्तन में आपने चावल लिए हैं उसी के 1.5 गुने पानी डालना है दोस्तों। और 1.5 बाउल हमें पानी डालना है। 1 बाउल हमने लिया था चावल तो ये ले लिया है हमने एक बाउल और आधा बाउल और डालेंगे पानी। और उसके बाद हम इसका लगा देंगे ढक्कन कुकर का और 1 सीटी आने तक दोस्तों पकाएंगे। ये देखिए, और इसमें डाल देंगे ये 1/2 बाउल पानी और डाला है हमने, टोटल 1.5 बाउल पानी डाला है। और ये नमक और इसे करेंगे मिक्स और इसका ढक्कन बंद करके 1 सीटी आने तक पकाएंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों। ये देखिए, और ये हमारे चावल बन चुके हैं। अब इसकी हम सीटी निकाल लेंगे और इसे चेक करेंगे। ये देखिए हमारे चावल बन चुके हैं। ये देखिए पूरी तरह से पक चुके हैं चावल हमारे। देखिए दोस्तों, ये मोटे वाले चावल हैं फिर भी बहुत अच्छे से बनेंगे। दोस्तों किसी किसी के घर पे बासमती चावल नहीं होते हैं तो उन्हें यही बनाना पड़ता है इसलिए। और ये हमने कुकर का ढक्कन थोड़ी देर के लिए बंद करके रख दिया था और अब हमने दोबारा से खोला है फिर से। और ये देखिए चावल हमारे पक चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और ये देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये जीरा राइस। ये देखिए दोस्तों रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।